ये हमारे पुराने सस्पेंशन थे, इसकी बकवास राइड, बकवास राइड। ये जो गड्ढे में जब चलती थी ना, सब पहले इसका हम रिव्यू देंगे, अब बस बाइक ही चेंज होनी है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो भाई आज के इस व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम यहीं से कहां से यार, अपनी मिट्योर 350 से। तो भाई आज का ये व्लॉग बनाने का मेन जो कारण है, वो कारण है हमारे पुराने वाले सस्पेंशन। जैसे कि आप ये वाले सस्पेंशन देख रहे हो, ये हमारे पुराने सस्पेंशन थे जो हमारे इस मिट्योर 350 राजा बाइक में लगे हुए थे। भाई राजा बाइक इसलिए बोलूंगा क्योंकि टूरिंग की सबसे बेस्ट बाइक है ये। तो भाई ये सस्पेंशन हम आपके लिए किस लिए लेके आए हैं, इधर आओ मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये हमारे पहले बेसिक सस्पेंशन थे जो हमारे मिट्योर 350 के साथ में आते थे, और ये जो आप देख रहे हो ये क्लासिक 350 के सस्पेंशन है जो पहले वाले 350 थी उसके साथ आते थे। तो भाई इसको चेंज करने का जो मेन कारण है वो है इसकी बकवास राइड। बकवास कैसे कहूंगा मैं इसको, उसके पीछे मेरा कारण है। कारण ये है कि यार जब भी मैं इसको चलाता था और तो इसको मेरे को ऐसा फील आता था जैसे मैं कोई साइकिल चला रहा हूँ। तो साइकिल चला रहा हूँ मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ आपको, यार बोलने का मेन जो कारण है वो कारण ये है कि ये जो गड्ढे में जब चलती थी ना, सबसे पहले करती थी कमर में दर्द। कमर में कैसे यार, देखो दबेगा नहीं तो यार कमर में दर्द होगा ना भाई, ऐसा लगेगा साइकिल चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं हम साइकिल। तो यार साइकिल चला चला के मैं तो हो चुका दुखी भाई, मैं ऐसा लगता था यार बिल्कुल कि अभी ना हाथ भी दुख जाएंगे, कमर भी दुख जाएगी। तो उस चीज से निजात पाने के लिए हम लेके आए नाइट्रोक्स के एब्जॉर्बर। ये एब्जॉर्बर क्या है यार, सोकर भाई, बाइक के सोकर हम लेके आए, रियर सोकर। सोकर का पार्ट नंबर जो आप देख रहे हो इसका ले लो स्क्रीनशॉट, जब भी आप लेने जाओगे ये दिखाना रॉयल एनफील्ड के शोरूम में, वर्कशॉप में। आपको लेनी है जेन्युइन एक्सेसरीज, वो तो जेन्युइन कहां से मिलेगी, रॉयल एनफील्ड की वर्कशॉप से। तो भाई वहां से मैं इसको लेके आया हूँ। ये पहले था 1500 रुपए का, लेकिन अब हो चुका है ये 1600 रुपए का। तो अब आपको पे करने पड़ेंगे 1600 1600 3200 रुपए। तो 3200 में आपकी बाइक हो जाएगी ऐसी ऐसी कैसी। अब आप देखो, अरे यार पता बहुत लोगों काम आती है। और ये सस्पेंशन लगने के बाद भी अगर ऐसी चली ना, ये नहीं अरे देर से घर पे बैठ के बात करेंगे फिर। पहले इसका हम रिव्यू देंगे, तेरी जान इसके रिव्यू में अटकी हुई है, अब बस बाइक ही चेंज होनी है। इस बार बाइक बेच के छुट्टी। उसके बुश का साइज और इसका साइज चेंज है ना, पीछे वाला टायर कितना सॉलिड है उसमें था, क्या क्या चीजें, कितनी चीजें चेंज हो चुकी इसके अंदर, टायर चेंज हो गया, सस्पेंशन चेंज हो गए, हेडलाइट हमने हेडलाइट चेंज करा दी, और एक वो हॉर्न एक ऐड करा दिया, पीपीएफ करा दी, और अब भी सेटिस्फाइड नहीं है गुड्डू उसके साथ में। एक्सपेरिमेंट इज गोइंग ऑन, अब मम्मी एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर करेगी। कई महीने की सैलरी तो चली गई होगी इसमें। ये
वो उसी की वजह से ना स्पेस नहीं मिल रहा उसको शायद। अब आप महसूस करोगे इस वीडियो को बनाने के पीछे का पर्पस। पर्पस कैसे? तो भाई अगर आपके पास मिट्टी हो रहा है ना तो ये करके दिखाओ। देखो अभी मैं अकेला बैठा हूं, ठीक है, और मेरा वेट जो है वो 70 किलो है, तो आप 70 किलो में देखो अब कि कितना ये बाउंस बैक कर रही है अपने आप को। तो भाई अभी हम चलेंगे थोड़ा गड्ढों में और गड्ढों में टेस्टिंग करते हैं इसकी कि कैसे काम करेंगे। ये देखो भाई ठीक गड्ढों में इतना अच्छे से काम कर रहे हैं और बिल्कुल भी फील नहीं आ रही है कि भाई ऐसे लग रही है। और पहले दोबारा इन गड्ढों में चल के देखते हैं कि कैसे काम करेंगे। बहुत ज्यादा उछलता था मैं, पर अब आप देखो कि कितने अच्छे से काम कर रहे हैं इसके सस्पेंशन। तो यार मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो के साथ कनेक्ट किया होगा और जो दिक्कतें मुझे आती थी वो आपको भी आ रही होगी, तो उसका समाधान हो गया होगा। तो भाई आप बने रहे मेरे साथ में आगे फर्दर अपडेट के लिए। तो फिर आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, कल मिलेंगे आपसे किसी नए व्लॉग में किसी नई चीज़ के साथ में। बाय बाय।